खोके दो धोके लो मॉडल, वो खोके दो धोके लो मॉडल में एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट आई थी, एनर्जी स्टेटिस्टिक्स फ्रॉम 2023, जहां पे अनुमान लगाया गया था रिन्यूएबल पावर कैपेसिटीज का. उसमें महाराष्ट्र के लिए कहा गया था, और ये राज्यसभा का ही आंसर है जो रिप्लाई आया है, विंड पावर जो एस्टिमेट है महाराष्ट्र में हो सकती है वो 98,213 मेगावाट्स है, पर जो वहाँ पे जनरेशन हो रहा है वो सिर्फ 5% उसका हो रहा है. जो स्मॉल हाइड्रो पावर है 786 मेगावाट का कैपेसिटी है, पर जनरेशन सिर्फ 48% हो रहा है. सोलर एनर्जी 64,320 मेगावाट्स की कैपेसिटी महाराष्ट्र में है, कैपेबिलिटी है, पर मात्र 7% हो रहा है. अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ ये काम कर रही है तो क्यों ऐसी अकाउंटेबिलिटी उस सरकार से नहीं ले रही है. पीएम कुसुम की यहाँ पे बहुत बात की गई तो मैं महाराष्ट्र पे ध्यान देना चाहूँगी. कंपोनेंट ए है जो 10 गीगावाट कैपेसिटी बाय इंस्टॉलिंग स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स ऑफ 2 मेगावाट का कैपेसिटी डिसाइड की थी, जिसमें 700 मेगावाट सैंक्शन हो गया है पर इंस्टॉलेशन शून्य है. अनपार्लियामेंट्री मैम. कंपोनेंट बी, इंस्टॉलिंग 20 लाख स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप्स, जिसमें से 2,25,000 सैंक्शन किए हैं, सिर्फ 61,000 इंस्टॉल किए गए हैं, 27% टारगेट अचीव हुआ है. कंपोनेंट सी, सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स एंड फीडर लेवल सोलराइजेशन, शून्य पंप सैंक्शन हुए हैं इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन में. ऐसे ही एग्रीकल्चर फीडर सोलराइजेशन सैंक्शन हुआ है 2,75,000 पर इंस्टॉल हुए शून्य. मैं पूछना चाहती हूँ जब सैंक्शन हो जाते हैं वो पैसा जा कहाँ रहा है मैडम? महाराष्ट्र के खिलाफ ये काम क्यों हो रहा है मैडम? मैडम डीले, अब डीलेज में मैं जो भी जवाब ये स्पीच दे रही हूँ मैडम, वो सारा राज्यसभा में मंत्रालय की तरफ से जवाब आए हैं. अनस्टार्ट क्वेश्चन, राज्यसभा 2021 में कहा गया था कि 3 सोलर पार्क महाराष्ट्र में बन रहे हैं. उन तीनों सोलर पार्क या तो कंप्लीट नहीं हुए हैं या उन काम की शुरुआत ही नहीं हुई है. ये महाराष्ट्र के साथ धोखाधड़ी है मैडम. मैडम मेरे एक कलीग हैं संदीप पाठक जी, उन्होंने एक मॉडल बताया जो सिर्फ मोनोपलाइजेशन हो रहा है, उसके बारे में चेयरमैन सर ने भी कुछ टिप्पणी दी थी. मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कैसे मोनोपलाइजेशन होता है और कैसे फेवरेट वेंडर्स चुने जाते हैं. मैडम सितंबर 2023 में एक खास कंपनी है, उसमें कार्यरत एक एडवाइज़र हैं, वो ग्रीन एनर्जी कंपनी हैं, उसके एडवाइज़र हैं, उनको अप्रैल 2022 में एज अ नॉन इंस्टीट्यूशनल मेंबर फॉर सेंटर्स एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी में उनको जगह दे दी जाती है. एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी क्या काम करती है? वो क्लियरेंस देती है प्रोजेक्ट्स के लिए दैट रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल. उसमें 6 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो उस खास जो इंडस्ट्री है और जिसके वो एडवाइज़र हैं उस पर चर्चा हो रही थी. 2 उसमें से आंध्र प्रदेश की हैं और 4 महाराष्ट्र की हैं. और उस मीटिंग में जहाँ पे वो एडवाइज़र शामिल थे और इकोनॉमिक ये एक्सपर्ट एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने एक महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को भी अनुमति दी जो उस कंपनी को सहायता कर रहा था. एक और चीज़ मैडम बताना चाहती हूँ कैसे मदद की जाती है मोनोपलाइजेशन में और फेवरेटिज्म होता है. चाइना के बारे में बात की जाती है कि कैसे हमें डिस्करेज करना है चाइना से इंपोर्ट करना. अब ये जो सोलर पावर कंपनीज हैं वो चाइना के लिए वो कॉमर्स मिनिस्ट्री जाते हैं, कहते हैं कि चाइना से हमें मदद चाहिए, वीज़ा नॉर्म्स ईज करिए. तो वीज़ा नॉर्म्स उनके लिए 30 इंजीनियर्स 8 फॉरेन पार्टनर्स चाइना के हैं, उनके लिए ईज भी कर दिया जाता है. हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वीज़ा भी उनको ईज किया जा रहा है. गवर्नमेंट हैज अलाउड चाइनीज नेशनल्स इन इंडिया फॉर प्रोडक्शन, लास्ट 30 सेकेंड्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स टू गेन द रिक्वायर्ड नो हाउ. हमें चाइना की क्यों जरूरत है मैडम? और हम ये सोलर पैनल्स की बात हो रही थी कि कितने सोलर पैनल्स इंपोर्ट हुए हैं. 100% जो भी हुआ है उसमें से 57% जो है वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है. तो हम यहाँ पे सिर्फ टिकटॉक बैन करेंगे, हम ऐप्स बैन करेंगे, पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें हमें आत्मनिर्भर होना है उसमें हम अभी भी चाइना पे डिपेंडेंट हैं और ये सरासर देश के साथ धोखा है मैडम. तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच को ख़त्म करूंगी. थैंक यू सो मच. मैं उम्मीद